किसी ने मुझे रैंडमली एक बार पूछा था कि व्हाट इज दैट एग्जांपल कि जो आपको आज भी इंस्पायर कर सकता है, तो मैं आपको आंसर देता हूँ उस चीज़ का। ऐसे लेकर ऑलमोस्ट अराउंड 5-6 साल पहले मैं पुणे के अंदर महात्रे जी को अटेंड करने के लिए गया था। तब मैंने ना उस ड्यूरेशन पर एक एग्जाम्पल सुना, वो एग्जाम्पल आज भी टिल दिस डेट मुझे इंस्पायर करता है हर रोज़ बेहतर करने के लिए और बेहतर बनने के लिए। ये एग्जाम्पल है दोस्तों एक लिली फ्लावर के पॉन्ड का। अब लिली फ्लावर का जो पॉन्ड होता है ना, उसके सरफेस के ऊपर, नीचे पॉन्ड के सरफेस के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे बीज होती है। अब होता कुछ ऐसा है कि ये जो बीज है ना, काफ़ी अरसों से एक चीज़ ऑब्जर्व करती थी कि इनमें से जो बीज धीरे 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 लिली फ्लावर को क्लाइम करने की कोशिश करती और लिली फ्लावर के वो पेड़ के ऊपर पहुंचती, वो कुछ दिन के बाद गायब हो जाती। तो लोग बड़ा ही कन्फ्यूजन के अंदर रहते कि यार आखिर ये हो क्या रहा है। तो जैसे हम लोग बोर्ड मीटिंग करते हैं ना, एक ड्यूरेशन पर ये सारी बीज ने नीचे एक बोर्ड मीटिंग किया और बोर्ड मीटिंग के अंदर ये डिस्कशन हुआ कि यार ऐसा क्या होता है कि ऊपर जो भी जाता है वो गायब हो जाता है। तो बड़ा ही डिस्कशन होने के बाद एक बी ने ऐसा सजेशन दिया और कहा कि काम करते हैं, हम सब लोग मिल के एक प्लेज लेते हैं और ये प्लेज ये होगा कि हम में से कोई भी एक ऊपर ट्रैवल करेगा और ऊपर जाने के बाद जो चीज़ होता है वो नीचे आके हम सब लोगों को बताएगा। अब नीचे सब लोगों को आइडिया बड़ा ही ठीक लगा, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, प्लेज लेते हैं। सब ने प्लेज लिया कि ठीक है, हमें से जो भी ऊपर जाएगा और ऊपर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो नीचे आके हम सब लोगों को बताएगा। अब प्लेज तो ले लिया, अब ऊपर चढ़ने की बारी आई, अब सब लोग कन्फ्यूजन के अंदर है कौन जाएगा। अब नीचे होता क्या है कि बोर्ड मीटिंग के अंदर जो ये सजेशन दिया था, सब लोगों ने उसी को मोटिवेट किया, एक काम कर भाई, तूने सजेशन दिया है ना, अब तू ही ऊपर क्लाइम करना चालू कर। तब ये बी ने भी ऐसा सोचा, एक काम करता हूँ मैं भी क्लाइम कर देता हूँ। तो धीरे 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 उसने क्लाइम करना चालू किया। एक दिन हुआ, डेढ़ दिन हुआ, दो दिन हुआ और धीरे 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 क्लाइम करते करते फाइनली वो लिली फ्लावर का जो सरफेस था ना, उसके ऊपर वो बी अब आ गया, वो इंसेक्ट आ गया। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, दो दिन तक कुछ नहीं हुआ। ढाई दिन के बाद अचानक से उसको फील हुआ कि उसके बॉडी के अंदर ना कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हुए और कुछ सेकंड के बाद उसको ऐसा लगा कि मेरी बॉडी के अंदर अब विंग्स आ चुके हैं। ऑन थर्ड डे ही रियलाइज कि अब मैं ना बी से ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ ड्रैगन फ्लाई के अंदर और वो फ्लावर से जंप करता है और उड़ना स्टार्ट करता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में बी जब लिली फ्लावर के पॉन्ड के सरफेस के ऊपर जाता है, वो फ्लावर के सरफेस के ऊपर जाता है, तो वो जो प्रोसेस है इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जिसके थ्रू एक बी ड्रैगन फ्लाई के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब ये हमारा जो ड्रैगन फ्लाई है ना, वो लिली पॉन्ड के आजू बाजू घूम रहा है, फ्लाई कर रहा है और उसे बड़ा ही मज़ा आ रहा है। कुछ सेकंड के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मैंने तो एक प्लेज लिया था। तो वो नीचे जाता है। अब वो जैसे ही नीचे जाता है ना, उसको देख के बाकी के जो छोटे छोटे बीज थे ना, वो डर जाते हैं, वो इधर उधर भागने लगता है, बड़ा ही कन्फ्यूज़ हो जाता है। वापस ऊपर जाता है, लिली फ्लावर के सर्फेस के ऊपर बैठता है, वहाँ पर उसको दो रियलाइजेशन होते हैं। ये दो रियलाइजेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग आई हैव लर्न इन माई लाइफ। पहला रियलाइजेशन, ड्रैगन फ्लाई को रियलाइज़ होता है कि अगर मैं नीचे जाऊंगा भी, इवन इफ आई गो डाउन, नो वन इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज मी, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, बिकॉज मैंने अब अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया है ड्रैगन फ्लाई के अंदर। लेकिन मैं ड्रैगन फ्लाई के अंदर ट्रांसफॉर्म क्यों कर पाया? बिकॉज मैंने मेरी लाइफ के अंदर रिस्क लिया, अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को इम्प्रूव किया और काफ़ी हद चीज़ें सेक्रीफाइस करके धीरे 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 न जाने कितने सारे क्वेश्चन आंसर्स मेरे दिमाग के अंदर चल रहे थे, इन सबको साइड में रख के मैं फाइनली लिली फ्लावर के सरफेस के ऊपर पहुंचा। माय डियर फ्रेंड, अंडरस्टैंड वन थिंग, आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी पहुँचना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन तब तक नहीं होता जब तक आप अपनी पुरानी सेल्फ को परमानेंटली ना छोड़। मोहनदास करमचंद गांधी के दोस्त कभी भी महात्मा गांधी के दोस्त नहीं हो सकते, सिद्धार्थ के दोस्त कभी भी महावीर के दोस्त नहीं हो सकते, नरेंद्र के दोस्त कभी भी स्वामी विवेकानंद के दोस्त नहीं हो सकते। तीनों तीन पर्सनालिटी सेम है, लेकिन यू टू अंडरस्टैंड वन फैक्ट कि जब तक पुरानी सेल्फ को छोड़ोगे नहीं, तब तक नई सेल्फ के अंदर अपने आप को कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो रिस्क लो, अपने आप को डेवलप करो, जिस तरह से बी ड्रैगन फ्लाई के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ था, जब तक पुरानी चीज़ों को छोड़ोगे नहीं, नई चीज़ें कभी भी लाइफ के अंदर आएगी नहीं। तो दूसरा सवाल ये आया कि मैंने तो प्लेज लिया है, मैं तो ये बीस के लिए कुछ तो करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? दो मिनट के बाद उसको रियलाइज होता है कि लेट मी डू वन थिंग, लेट मी फ्लाई नियर दिस पॉन्ड एज ड्रैगन फ्लाई।
मुझे ने इस पॉन्ड के बाजू में एज अ ड्रैगन फ्लाई तरीके से ही फ्लाई करते थे तो माइट भी मुझे फ्लाई करता हुआ देख के नीचे जितने भी बीज है ना उसमें से कोई एक इंस्पायर हुआ और उसने रिस्क लिया ऊपर चढ़ने का और लिली फ्लावर के सरफेस के पहुंच पर उसने भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया बी से ड्रैगन फ्लाई के अंदर। जिस दिन मेरी जर्नी से कोई भी एक बी ट्रांसफॉर्म हुआ ड्रैगन फ्लाई के अंदर उस दिन मैं समझूंगा मेरा जो पर्पस था ड्रैगन फ्लाई बनने का वो सॉल्व हो गया। माय डियर फ्रेंड काउंटेडन इज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। आप चाहे कोई भी सेगमेंट अपनी लाइफ क्यों नहीं जीते हो आप कोई भी डिजायर के साथ भी अपनी लाइफ क्यों नहीं जीते हो आप माइट बी सिंगर हो आप माइट बी डांसर हो आप भले ही ऑफिस के अंदर एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो एक ऐसी जिंदगी जियो जिस जिंदगी को देख के आपके आसपास वाले लोग इंस्पायर हो कुछ करने के लिए कुछ बनने के लिए कहीं पर पहुंचने के लिए। अंडरस्टैंड वन थिंग जिस दिन आपकी लाइफ को देख के एक भी पर्सन इंस्पायर हो गया अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये जो ह्यूमन बर्थ है आपका उसी मोमेंट पर सक्सेसफुल हो जाएगा। सो लिव योर लाइफ एज अ ड्रैगन फ्लाई नंबर वन। रिमेंबर वन थिंग कोई भी चीज़ जिंदगी में पाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड नंबर टू यू टू लिव दैट लाइफ जो लाइफ एक्चुअली कोई भी एक लाइफ को इंस्पायर करे एक्चुअली जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तब जाके जो ह्यूमन बर्थ है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सो दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आई हैव हर्ड इन माई लाइफ।